यो बच्चे लोग जासूसी कर रहे थे क्या? अब क्या करें? जी कहाँ गया? चलो अंदर। जी कहाँ? चलो। मैं तो कह रहा हूँ बस काम शुरू कर दो। चलो भी। इनकर करो ही मत। क्या हुआ? कौन है ये लोग? पता नहीं साहब, खिड़की से ताकता कर रहे थे। तुम दोनों तो वही हो ना जो होटल में थे। मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। किसने भेजा है तुम्हें मेरी जासूसी करने के लिए? इधर आओ आ गया। हाँ बोलो। वो भोलू के जादू का कमाल है। इतनी है ना, हमेशा हमें फंसवा कर कहीं ना कहीं थक जाता है। मैं पूछ रहा हूँ किसने भेजा है मेरी जासूसी करने के लिए? ओम पटक पटक छू। बोलो। अरे सब गिर गए। ये तो गिर गए। गिरे ने इन्हें कह गया चीनी ने गिरा दिया। हाँ मगर वो है कहाँ? भूत भैया तुमने जादू ठीक से नहीं किया। बोल दो मम्मी से। नहीं मत बोलो, मुझे मार मार के भूत बना देगी। अरे क्या उठे ऊपर उठा देगा क्या मुझे? मेरे सामने क्या देख रहा है? इनको पकड़। अब देखो मैं क्या करता हूँ। भागो बच्चू भागो। मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ से भाग के बाहर कैसे निकलते। मम्मी दिखाती है कैसे खाना है। खाना। ओए, ओए, मार क्यों रहे हो? अरे सारा खुद खा जाओगे। मैनू भी तो खाने दो। अच्छा ये खा लेती हूँ। अच्छा ये खा लेती हूँ। हाय, ये मेरी हर बात मानने वाले मेरे निक्के निक्के से बच्चे आज आज मुझे मार रहे हैं। कहीं इनमें कोई भूतों की आत्मा तो नहीं आ गई है? हाँ।
आस्था, तुम लोगों को क्या हो गया है? आस्था, we have to reach सुंदरगढ़ today. और इस बारे में अब कोई बहस नहीं होगी. Understand, मैडी? मैं? नहीं मैडम. आप कहें तो मैं 10 दिन तक यह सारा काम बिना रुके कर लूंगी. पर मैं सुंदरगढ़ नहीं जाऊंगी. For God's sake, मैडी, मिसेस खन्ना कोई भूत नहीं है जो तू उनसे इतना डर रही है. भूत? वो तो भूत से भी बढ़कर है. नहीं मैडम, मैं रास्ते में किसी पुलिस वाले को थप्पड़ मार दूंगी और 2 दिन जेल में बिता लूंगी. लेकिन मिसेस खन्ना, नहीं. रति, I'm sorry, my bad. सॉरी बाद में बोलना राहुल, पहले इन दोनों को रेडी करो सुंदरगढ़ जाने के लिए. मान ही नहीं रहे. नहीं मान रहे तो ठीक है ना. क्या मतलब? तो क्या हम लोग इन्हें यहीं छोड़कर जाएंगे? अरे भाई, हम जाएंगे तभी तो ये जाएंगे ना. अभी तो मेरा काम ही पूरा नहीं हुआ, इसलिए तो मैं तुमसे सॉरी कह रहा था. लेकिन राहुल. अरे रति, मिसेस खन्ना है ना उनके साथ, और फिर जब तक मैं अपना काम खत्म ना कर लूं मैं नहीं जा सकता. और मुझे लगता है 2-3 दिन और लगेंगे. ये हम तो बच गए. अब 2 दिन क्या, 4 दिन आराम से काम करना. अरे इन दोनों को क्या हुआ? काम अधूरा छोड़ के आया हूं मैं. रिया, हमें लगता है कि भाईदास मेहता और इस होटल का मैनेजर दोनों के दोनों मिले हुए हैं. मैनेजर? क्यों? क्योंकि भाईदास मेहता जो भूतों का खेल खेल रहा है इस होटल में, उसे करने के लिए कोई तो आदमी चाहिए ना. हाँ, सही कहा. मुझे तो वो मैनेजर भी भूत लगता है. उसके कितने सारे भाई हैं? रिया, हम पता करके रखेंगे कि क्या आखिर ये चक्कर है क्या. बोलो क्या जी? आपका कुक. व्हाट? मतलब हमें आपके कुक से बात करनी है. हाँ, जो बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं. अच्छा 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 अच्छा, लेकिन एक डिफरेंस है उसमें और मुझ में. उसकी मूछें हैं और दाढ़ी है, मेरा कुछ भी नहीं है. कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ वेट करो, मैं अभी उसे बुलाता हूँ. ओके. सचिन, अगर वो मैनेजर अंकल 2 मिनट में नहीं आया ना, तो हम समझ जाएंगे कि वो एक ही आदमी है. कौन बुलाया हमको? कौन बुलाया? आई, चलो तुम बुलाओ हमको. तो जी अंकल, जो मैनेजर अंकल आपको अंदर बुलाने गए थे वो कहाँ है? वो किचन के अंदर चाय पीते चिकन फ्राई करता है. वो क्या है कि मैं इधर हूँ ना, तो उधर चिकन जल जाएगा, इसके लिए. ठीक है, आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए ना, प्लीज. ओ बच्चा लोग, तुम खाली पीली परेशान करता है. ठहर उधर, बुलाता है. तुम लोग भी अजीब. जब मैं यहाँ था तो तुम्हें कुक चाहिए था, और जब कुक यहाँ आया तो तुमने मुझे बुला लिया. बोलो, आप क्या काम है? वो कुछ है, आप अपना काम कीजिए. देखा रिया, हमने कहा था ना. हाँ सचिन, तुमने बिल्कुल सही कहा था. वो मैनेजर एक ही है, इसका कोई भाई भाई नहीं है. हमें उल्लू बनाया है वो. हाँ, वो एक ही और डिफरेंट गेटअप में आके सबको डराता है. कुछ समझ में नहीं आ रहा है. हमने उसे कहा था वहाँ पे रुकने के लिए, मगर वो चला गया वहाँ से. हाँ, और वो तो कह रहा था कि वो भारी है, और फिर वो इतनी जल्दी की रश बदल कर आके से गया. कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये इतना चालाक कैसे है? सचिन, एक आइडिया है मेरे पास. बताओ. सचिन, हम मैनेजर की शर्ट का छोटा सा टुकड़ा काट कर हम मैनेजर का मार्क बना दें, और फिर इमीडिएटली कुक को बुलाएं. कर दी ना उन्हों वाली बात. पहली बात ये है कि हम उसकी शर्ट कैसे फाड़ेंगे. ठीक है, तुम तो उल्लू नहीं हो ना, तो तुम क्यों नहीं बना लेते? सो
सोचने तो दो ना। सोचो। आइडिया, तुम्हारे पास इंक पेन है? इंक पेन? हाँ। नहीं मैनेजर साहब, अब मैंने यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। वो भूतनी की औलाद मेरे पुत्र बन के आ गए, फिर भी मैं बदराश कर गई। पर अगर अगर वो मिस्टर खन्ना बनकर आ गए तो मुझे उनके लिए चाय बनानी पड़ेगी ना। ना अरे मिसेस खन्ना चाय मेरा कुक बना दिया करेगा, आप टेंशन मत लीजिए, घबराइए नहीं। मिसेस खन्ना, अगर आप हमारा ये होटल इस तरह से छोड़ कर चली गई ना तो हमारा होटल तो बदनाम हो जाएगा। बाहर में गया तेरा होटल और बाहर में गया तू, मैंने यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना है, समझा? अब मिसेस खन्ना आप प्लीज आप देखिए, कुछ नहीं देखना, मैं देख चुकी भूतनी ते उसके पुत्र। अब तो अगर फ्री में भी रहना पड़े तो मैं नहीं रहूंगी। हाँ फ्री? नहीं, फ्री से भी ज्यादा मिसेस खन्ना जी। अब से ना हम आपको यहाँ पे खाना पीना रहना सब कुछ फ्री तो देंगे ही, लेकिन साथ में ना उन सब चीजों के पैसे भी दे देंगे। मतलब रहना फ्री? हाँ। ते फ्री के पैसे भी? बिल्कुल क्यों नहीं। अब मिसेस खन्ना आप एक बार ना अच्छे से सोच लीजिए, घाटे का सौदा नहीं है। गल तो चंगी सी। चंगी? बहुत चंगी। मैनेजर साहब मैं रुक जाती हूँ, ऐसा करके नहीं कि मुझे पैसों का लालच है, ऐसा करके कि आपका ये होटल बदनाम ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, जस्ट फॉर यू। सो स्वीट ऑफ यू मिसेस खन्ना, थैंक यू सो मच, आई विल बी बैक। थैंक यू। की चीजें मिल रही है, ऊपर से फ्री के पैसे, मैं सिर्फ शक्ल से उल्लू दिखती हूँ, वो नहीं के सब छोड़ दूंगी। चल। तुम समझ रही हो ना रिया, हम कुछ भी करके अपना हाथ मैनेजर के फेस के सामने से घुमाएंगे, जैसे क्रिकेट की बॉलिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही एक्शन करेंगे हम, और फिर इस इंक पेन में से इंक उनके फेस पे लग जाएगी। अच्छा, ठीक है, तुम लोग यहीं रिसेप्शन पर ठहरो, अगर कोई आ जाए तो जरा संभाल लेना, मैं कुक को भेजता हूँ। ओके, वेरी गुड रिया, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो तुमने उनके फेस पे इंक लगा दी। अब पता चलेगा कि वो एक ही है या बहुत सारे। हाँ बोलो, चलो कहीं को बुलाया मेरे को। तो मैनेजर और कुक आप ही हो? हाँ, और आप भी गेटअप बदल बदल कर सबको उल्लू बनाते हो, यू फ्रॉड। मैं नहीं, मैं तो कुक है, तुम्हारा खाना पकाता है। झूठ मत बोलिए आप, मैंने मैनेजर के गाल पर इंक का निशान लगाया था जो आपके गाल पर भी है। अब क्या करूं बच्चों, भूतों की अफवाह की वजह से इस होटल में काम करने के लिए कोई आता ही नहीं है, इसलिए मुझे ही अब गेटअप बदल बदल के सब कुछ करना पड़ता है। पर अंकल इससे तो प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है ना। हाँ, आपको इतने सारे भेष में देख के लोग तो यही समझेंगे कि आप ही भूत हैं। लेकिन मैं क्यों भूत बन के अपने ही होटल को बदनाम करूंगा? रिया प्लीज तुम मुझे पुलिस से मत देना। नहीं, थैंक यू सो मच रिया, थैंक यू वेरी मच। रिया अगर ये असली भूत नहीं है
तो फिर असली भूत है कौन? हम है भूत, हम। खाओ पुत्र खाओ। और टुक टुक तेरी खुराक क्यों कम हो गई है? खुराक कम नहीं हुई मम्मी, ये पहले अपनी जेब भर रही है। जितना ज्यादा खाना उतने ज्यादा पैसे। मैं देखो कितनी स्मार्ट हूँ, लोग सुंदरगढ़ आते हैं पैसे खर्च करने के लिए और मैं यहाँ से कमा के जा रही हूँ। तू फ्री में खाना खाना चाहती है ना, जी भर के खा। मैं तुझे ऐसा खाना खिलाऊंगा ना कि जिंदगी भर सुंदरगढ़ को याद रखेगी। अच्छा कर, लाइट गई है। मम्मी बहुत डर लग रहा है। मम्मी मुझे भी बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है। क्या हो रहा है? मम्मी प्लीज प्लीज कुछ करो मम्मी। अचानक इस लाइट को क्या हो गया? लगता है लाइट चली गई। अच्छा सचिन, मुझे तो ये नहीं पता था, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। रिया तुम यही रहो, हम कैंडल लेके आते हैं। कैंडल शैतानी कर सकता है ऐसी, मगर वो है कहाँ? ची ची मुझे डर लगता है ना ची अंधेरे में, तुझे पता है? शिती क्या करो? ची ची बंद करो, समझे तो? हम ना तुम्हें तुम्हारी पिटाई कर देंगे। उपिया, ये तुमसे डरे नहीं रहे हैं? डरेंगे। ची प्लीज। ये भी आप करें। आपके गोलू के जादू का कमाल। इरी गिरी गिरी देखो बाप तेरी। ची 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 बंद करो वरना तुम्हें थप्पड़ लगेंगे। बनने की कोशिश की ना, मैं तुम्हारा बैंड बजा दूंगी। रिया ये ऐसे नहीं मानेगा, हमें इसे पकड़ना होगा, ओके? हाँ, पर हम इतने अंधेरे में कैसे पकड़ेंगे? सोचा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। बस एक बार मैं पकड़ने आ जाए, वरना छोड़ेंगे नहीं इसे। आ गए पकड़ने। अब बताती हूँ मैं तुम्हें, भूत कौन है? मैं यक्तम। देखो सचिन, मैं इसे कुंफू और जूडो के सारे सॉलिड पर जजवा दी। और हमने भी यहाँ पे से बहुत लाने पाए। सचिन तुम कैसे मारो? जी तो मेरे पास है। रिया तुम झूठ क्यों बोल रही हो? जी हमारे पास है। मेरे पास रिया तुम देखो तो सही। देखो चीको, तुम देखो, तुम देखो।